गोवा में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को विधायक दल ने मनोहर परिकर को अपना नेता चुन लिया और शाम होते होते राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। परिकर 24 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वैसे तो चुनाव के नतीजों में बीजेपी गोवा की दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने की दौड़ में वो अव्वल रही। रविवार देर रात गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया। पर्रिकर ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। पर्रिकर को शपथ ग्रहण के बाद 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करने का वक्त दिया गया है। गोवा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर मुहर लगी। इसके बाद पर्रिकर ने राज्यपाल से मुलाकात कर 21 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया। This is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, the together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from one or two more MLAs. But at this stage we could only get 21 together. 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस 17 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3-3 सीट मिली है, एक सीट एनसीपी, जबकि निर्दलीय के खाते में 3 सीट आई है। बीजेपी ने दावा किया है कि सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3-3 विधायक और 2 निर्दलियों का समर्थन उसे हासिल है। नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने परिकर को सीएम बनाने की शर्त पर ही समर्थन दिया है। मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियाँ हमको समर्थन करने के लिए तैयार हैं उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर परिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर परिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि गोवा की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उन्हें शासन करने का जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी पीछे के दरवाजे से जादुई आंकड़ा जुटाने की जुगत में है। गडकरी के पास कांग्रेस के इस आरोप का जवाब भी तैयार था। कांग्रेस का आरोप है कि मैंडेट कांग्रेस को मिला था। अगर कांग्रेस को मैंडेट मिला तो मुझे लगता है उन्होंने राज्यपाल को मिलने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनके पास मेजोरिटी थी तो उनको मिलने का अधिकार था और तुरंत अपनी मेजोरिटी वो एस्टैब्लिश कर सकते थे। बहरहाल अब परिकर गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरे 2.5 साल के बाद उनकी पणजी में बतौर सीएम वापसी होगी। अब चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मनोहर परिकर के जोड़ का रक्षा मंत्री तलाशने की होगी। पणजी में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।